हेलो प्रेम, हेलो प्रेम। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल किया जाता है। इस वीडियो में हम सारा यही बताने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना, किसी भी सॉफ्टवेयर को सबसे इजी तरीके से इंस्टॉल करना और सबसे ईजी तरह से अनइंस्टॉल करना, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नीचे यहाँ पे एक फोल्डर खोल रखा अपना सॉफ्टवेयर का, उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है हमारे पास। इसमें से मैं एक सॉफ्टवेयर पकड़ लेता हूँ, जैसे ये 3-2-1 वाला है, ये म्यूजिक प्लेयर होता है। इस पर हम लोग राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं या दो बार क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। अभी यस बताएगा, इसे यस करना है यहाँ पर, और उसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट करना है कंटिन्यू करने के लिए, फिर नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट कहाँ करना चाहते हो ये सेटअप को, हमने सी प्रोग्राम में करना चाहते, सी ड्राइव में करना चाहते हैं, सी में कर दिया। अब उसका नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट। बैक तो हम करना चाहते हैं, बैक मतलब वापस जाने के लिए, कैंसिल अगर नहीं करना है तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है इंस्टॉल, तो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे, और ये ओके, ये अब इंस्टॉल हो चुका है। ये देखो इस तरह से थोड़ा प्रोसेस चलेगा और इसको ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिर ये हमारे डेस्कटॉप पे भी आइकन इसका शो करेगा, और ये फिर प्ले भी कर सकता है कोई म्यूज़िक। उसके बाद फिर हम इसको इंस्टॉल भी करेंगे, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। ये हो गया, अब इसे हम क्लिक कर देते हैं, कैंसिल, ऐसे भी क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं ये इसका आइकन आ गया होगा हमारे पास यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये स्टार्ट मेन्यू में भी आ गया, और आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप पे लेके जाना है तो इसे खींच के या मूव करके आप डेस्कटॉप पे भी लेके जा सकते हो इस तरह से। अब आप इसको इसके अंदर गाना चलाना चाहते हो तो आप गाना, जहाँ भी आपको गाना सॉन्ग रखा होगा या गाना रखा होगा, तो आप क्लिक करके फोल्डर में जाके जहाँ भी आपने गाने रखे होंगे, अब जैसे यहाँ पर हमने कुछ गाने रखे हैं, और यहाँ पर ये VLC में दिखाई दे रहा है आपको। अब इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ से ओपन विथ और चूज डिफोल्डर फाइल में जाके ओपन कर सकते हो, जो वाला जो हमने इंस्टॉल किया था मीडिया प्लेयर, ये वाला 3-2-1 वाला, इसको ओके कर देंगे। अब ये हमारे ये वाला जो भी इंस्टॉल किया था हमने, वो मीडिया प्लेयर चलने लग गया। इसे क्लोज कर देते हैं। अगर अनइंस्टॉल करना है इसको, तो इसमें स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाना है, उसके बाद यहाँ पे ऐड एंड फीचर्स, प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं वो सब दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे जो नहीं चाहिए आपको उस पर क्लिक करना है। अभी जैसे हमारा 3-2-1 वाला था यहाँ पर, तो कौन सा वाला था यहाँ पर, जैसे VLC वाला नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल कर देंगे इसको। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, और फिनिश। अभी यहाँ से VLC वाला गायब हो गया, इसे क्लोज कर देंगे, इधर रिफ्रेश कर देंगे। तो इसी तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और उसको फिर अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड।